नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं राज खबर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को चिल्लर की संज्ञा देकर शर्मनाक ट्वीट किया। इस ट्वीट को लेकर थरूर की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं रोहतक में थरूर के बयान पर छिल्लर के परिजनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छिल्लर के मामा संदीप का कहना है कि उन्होंने उन बेटियों का अपमान किया है जो देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है कि उसने छिल्लर को चिल्लर कहा है। इट इज वेरी शेमफुल फॉर हिम टू से सच ए सेमलेस वर्ल्ड, जो उसने नहीं करना चाहिए था। और इसकी क्रिटिसिज्म हुई है, हमारे बहुत से आदमियों ने की है, और ये उन लड़कियों के लिए उसने बहुत भद्दा मजाक किया है जो लड़कियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे ले जाना चाहते हैं, और वो इस तरह के बयान देता है। इट इज़ वेरी सेम वेरी वेरी शेमफुल, उसमें नहीं देना चाहिए ऐसा। और फिर ऐसी उस पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आई थिंक इट इज़ वेरी शेमफुल। देखिए, ये तो इंसान की मेंटालिटी का पता लगता है इससे कि कोई एक हाई ऑफिस पे रह करके भी इस तरीके की सोच रखता है तो उसकी मेंटालिटी क्या होगी। ये तो अब हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी सोच होती है, उसके बारे में तो अब पब्लिक ही अपनी ओपिनियन बनाए कि ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नगर निकाय चुनाव में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सीएम योगी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ का चोला पहनकर फोटो खिंचवाने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पद्मावती फिल्म के विरोध पर कहा कि भाजपा जनता को चुनाव के समय भटकाने का काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूठे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 3.5 साल बाद बेरोजगारी 7 करोड़ पहुंच गई है। उनका कहना है कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है और इसका परिणाम नगर निकाय चुनाव में दिख जाएगा। के निगाह में क्या है, हमको अपनी बात कहना है कि हम इस देश से बेरोजगारी के लिए चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म हो। और बीजेपी ने जो वादा किया है वो वादा कब पूरा होगा? 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में कोई रोजगार हो नहीं रहा, इंतजाम नहीं हो रहा। नौजवान मारा मारा घूम रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, और ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं, जनता जान चुकी है, इसलिए नगर निकाय के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा के जींद में खाप और सर्व जाट समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संस्था के नेता सूबे सिंह समेर ने घोषणा की कि उनका संगठन जाट आरक्षण और जेलों में बंद बच्चों की रिहाई के लिए 17 दिसंबर को कलायत में एक रैली करेगा और उसके बाद फरवरी माह में आंदोलन शुरू कर देगा। सूबे सिंह समेर ने रोहतक में 26 नवंबर को होने वाली महारैली का विरोध जताया और आरोप लगाया कि यशपाल मलिक ने जाट समाज के नाम पर विदेशों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं और इनसे बचने के लिए वह रोहतक में कोचिंग सेंटर का भूमि पूजन कर रहे हैं। 17 दिसंबर को होगी कलायत के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, वहां पर एक रैली होगी जबरदस्त। उसके बाद फिर यहां फरवरी के फर्स्ट वीक में रखेंगे, उसी दिन डेट घोषित कर देंगे और उसके बाद तुरंत बाद आंदोलन की घोषणा कर देंगे। हो सकता है आंदोलन उसी दिन से भी शुरू हो जाए, जींद में, जींद की धरती पर। पैसे को छुपाने के लिए, ये 50 करोड़ नहीं है, सैकड़ों करोड़ों में है उसका पैसा, जो बाहर से आया जाट सेवा संघ के नाम पर। जाट सेवा संघ इसलिए बनाया है कि आरएसएस को खुश करने के लिए कि मैंने भी एक जाटों की बरात बना दी जिसका नाम है सेवा संघ। जैसे आपका राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक संघ है, ऐसे मैंने उसे आधार पर एक ब्रांच बना दी जिसका नाम है जाट सेवा संघ। इसलिए जाट भी आपसे असली मुद्दे से ध्यान भटका कर, संस्था तो दुनिया भर की, कोचिंग सेंटर कोटा में है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, वहां से बच्चे लेकर जाटों के बच्चे बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, आईएएस में है, आईपीएस में बहुत बच्चे आए हैं वहां से कोचिंग लेकर। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ऐसे ठग लोगों से, इस प्रकार के चोर लोगों से समाज को बचना चाहिए,
और समाज के हित में यही है कि इन बच्चों की रिहाई के लिए अपने आंदोलन की तैयारी करें। हरियाणा में लोहारू के बहल गांव में गलत बिजली बिलों और किसानों के मुद्दों पर कैप्टन सोहनलाल की अध्यक्षता में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान, जिला प्रधान मेवा सिंह आर्य सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान रतन मान ने बताया कि महापंचायत का निर्णय है कि जब तक बिजली निगम इन गलत बिजली बिलों को ठीक नहीं करता है तब तक बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। महापंचायत में बिजली निगम के अधिशासी अभियंता संजय रंगा भी पहुंचे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि बिजली बिलों की त्रुटि दूर कर 15 दिन में नए बिल दिए जाएंगे। विभाग की ओर से पहले जो बिल लेने का जो कार्य था वो एक अलग फॉर्म HESL को दिया गया था, उसके द्वारा कई जगह के ऊपर ऐसी त्रुटियां मिली हैं कि कहीं पर रीडिंग अकुमुलेशन मिली है, जिसके कारण किसान भाई जो ये आंदोलन कर रहे हैं या कहीं पर घरेलू बिलों के अंदर बिल जो है वो इकट्ठे होके आ गए हैं, जिसके कारण वो बिल नहीं भर पा रहे हैं। इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और बिलों के जो अकुमुलेशन को ठीक करके 15 दिन के अंदर हम इनको वापस दे देंगे। कुछ बिल हमने दिए थे उसमें कुछ दिक्कतें फिर भी रही हैं, उसको ठीक करके 15 दिन में दे दिया जाएगा, जिसके कारण ये बिल भी भर सकें जिस तरह रेगुलर पहले भरते आए। जो आज बहल के अंदर भारतीय किसान की किसान प्रदेश स्तरीय महापंचायत हुई है उसमें बिजली निगम के अधिकारियों ने आकर के जो 11 गांव के अंदर लाखों रुपए के जो बिल भेजे गए किसानों को उन्होंने उनमें सुधार करके और जो साधारण तरीके से जो बिल आ रहे थे 15 दिन का उन्होंने समय मांगा और साधारण बिल उन किसानों से ग्रामीणों से लिए जाएंगे। और यहाँ का एक जो प्रमुख मुद्दा है जो हमारे कार्यकर्ता है रवि चहल, रवि आजाद और दो पत्रकार हैं जो आत्महत्या के केस में जो उनको फर्जी राजनीतिक षड्यंत्र के साथ जो फंसाया जा रहा है और उसके लिए हमने आज ये चेतावनी दी है, अगर रवि आजाद को या किसी पत्रकार को इस मामले में झूठा फंसाया गया, गिरफ्तार किया गया तो पूरे प्रदेश का किसान गिरफ्तारी देने के लिए इसके लिए तैयार है। और बिजली निगम से संबंधित जो बातें सौहार्दपूर्ण में किसान महापंचायत में एक्शन ने SDO ने आकर के सैद्धांतिक तौर पर किसानों की बात मान ली है और 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के बिल ठीक करके उन्होंने देने का आश्वासन दिया। जींद में इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जय भगवान गोयल और DSP कप्तान सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान राजकुमार गोयल ने की। इस मौके पर DSP कप्तान सिंह ने कहा कि हमेशा हर गरीब की भलाई की करने की सोचनी चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल आजाद लाठर ने कहा कि इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा का जर्सी वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब 200 जरूरतमंद छात्राओं को जर्सी, स्वेटर, जूते, जुराब बांटे गए। आज जो है इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जिन बच्चों को सर्दियों के वस्त्रों की आवश्यकता थी वो सोसाइटी के अध्यक्ष ने उन बच्चों को जुराब, जूते, जर्सियां आज विद्यालय में आकर स्वयं अपने हाथों से दी और माननीय श्री जय भगवान जी गोयल जो है आशीर्वाद देने के लिए वो भी आज HPSC के जो हमारे मेंबर हैं वो भी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए विद्यालय में पधारे थे। इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी जींद द्वारा जिसके प्रधान राजकुमार गोयल जी व सावर गर्ग जी व इनकी टीम द्वारा आज स्कूल में लड़कियों को शॉल, जर्सी व जूते, जुराब दिए गए हैं, जो संस्था द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है और बहुत ही पूर्ण काम किया है और हम आशा रखते हैं कि संस्था आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम करती रहे। और इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल है लाठर साहब उन्होंने बहुत बहुत अच्छा योगदान दिया है। अम्बाला कैंट में श्री दिगंबर जैन सभा के चुनाव संपन्न हुए। साइंस कारोबारी दिनेश जैन ने मौजूदा प्रधान VK जैन को 8 वोटों से हराकर जीत का सहरा अपने सिर पर बांधा। इस मौके पर दिनेश जैन ने कहा कि हर कार्यकारिणी ने जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी सराहनीय काम किए हैं, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज के विकास के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त किए गए थे। ये कार्यकारिणी 3 वर्ष की होगी, 3 वर्ष में ये कार्यकारिणी का चुनाव होता है जो कि सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए होता है, अध्यक्ष व लेखा परीक्षक।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष व लेखा परीक्षक को शपथ दिलाई जाएगी। इस चुनाव के लिए पूरा सहयोग इस प्रकार से किया है कि किसी भी प्रकार का लूपहोल या लकुना नहीं। दो कैंडिडेट्स हैं, श्री दिनेश चंद जैन जी और श्री वी के जैन जी एडवोकेट। समाज का उद्धार, समाज के लिए जो भी तरक्की होनी चाहिए वो होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो जितने हमारे मंदिर हैं सब में जीर्णोद्धार, नए से नया काम कराया जाए जिससे पता लगे कि समाज में एक समाज का नाम हो, चैरिटेबल काम की मुख्य मतलब चैरिटेबल और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यही मुद्दे हैं। कुरुक्षेत्र जिले के गांव सारसा के 3 बच्चे घर के बाहर से गायब हो गए। परिजनों ने बताया कि बच्चे के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने बताया कि पंचकुला के मोंडी वन विभाग में 2 बच्चों के शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पंचकुला मोंडी पहुंची और बच्चों के शव बरामद कर तफ्तीश की, जिससे पता लगा कि शव गुम हुए बच्चों के थे, जिसकी सूचना पुलिस ने परिवार जनों को दी। बच्चों के शव बरामद होने के बाद से 3 बच्चों के पिता सोनू मलिक का फोन बंद आ रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने पिता की छानबीन कर उससे पूछताछ की तो पिता ने बताया कि 3 बच्चों की हत्या उसने और उसके भाई जगदीप मलिक ने की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सरसा गांव के 3 बच्चे थे जो लापता हुए थे और इसकी हम तलाश कर रहे थे, तो उसके बारे में बड़ी सनसनीखेज सी बात आई है सामने कि परिवार में ही उनका मर्डर किया गया था। 3 बच्चों की हमें बॉडीज भी मिल गई हैं, तो उसके बच्चों के जो चाचा थे, उसके जो फादर के चेहरा भाई था छोटा, उसने मर्डर किया था, और इसमें कहीं ना कहीं फादर की भी भूमिका सामने आ रही है, तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। जो मोटिव है वो कोई इसका फादर का किसी के साथ अफेयर था, अभी तक ये बात सामने आई है, तो इससे पूरा एक केस खुल गया है। पिहोवा में बाबा श्रवणनाथ स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकुओं से हमला हुआ। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। परिजनों ने बताया कि कुछ लड़के स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसे स्कूल का एक बच्चा देख रहा था। बच्चे ने सारी बात बड़े भाई चांद को बताई, जो उसी स्कूल में पढ़ता है। छात्र चांद ने उन युवकों से बात की तो उन युवकों ने छात्र चांद पर चाकुओं से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान पर कार्रवाई में जुट गई। तो वो हम जाने लग रहे थे तो कहीं लड़के लड़की को छेड़ रहे थे, फिर हमने देख लिया, उन्होंने हमको बुलाया और धमकी देने लग गए, चक्कू निकाल लिए है, फिर हम मैं रोने लग गया और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर कल मेरे मैंने आपको घर बता दिया मैंने चांद को बड़े भाई को बता दिया, फिर मेरे फिर अगले दिन मिलेंगे या हम, मेरे भाई ने कह दिया उनको रोक के, तुमने पकड़ा मेरे भाई को, मारा मुरा क्यों था, फिर वो चले गए मोटरसाइकिल पे, फिर अगले दिन उसको चक्कू मार के। हम चाहते हैं अभी उनको सजा मिले, अगर कल को हमारा बच्चा स्कूल गया, इनको कल को मार के चले गए तो हम क्या करेंगे फिर? वो तो लोग हैं, अगर इसको छोटा बच्चा है ये, अगर इसको चक्कू इसको पेट में मार देते या कुछ, वो तो चल बड़े भाई को लग गया, इसको उसने बचा लिया। फिर हम चाहते हैं अभी एक कार्रवाई हो, बच्चे सुरक्षित नहीं है स्कूल में। रेवाड़ी में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। बावल पुलिस थाने से विजिलेंस टीम ने एएसआई अशोक कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। युवक तारा सिंह ने बताया कि उसकी चाची ने मारपीट की एक शिकायत पुलिस में दी थी और इस मामले को सेटल करने और महिला के साथ छेड़छाड़ की धारा लगाने की धमकी देकर आरोपी ने उससे 5,000 रुपए की मांग की थी। विजिलेंस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर एएसआई अशोक कुमार को रंगे हाथ काबू किया है। सर एक मेरी चाची ने झूठी एप्लीकेशन दे रखी थी सर, 29 तारीख की सर। 29 तारीख को सर मैं बावल थाने के अंदर ही था और एक मेरा साथी था जो गुड़गांव था, उसके खिलाफ झूठी दे रखी थी एप्लीकेशन। फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, ना बोले या तो 354 का मुकदमा ले या बोले 10,000 रुपये दें। फिर मैं बोले जी मेरे पास तो 5,000 रुपए जी, 5,000 ले लो जी, पर जी ये आप इसकी तफ्तीश तो करो जी। मैं तो जी था ही नहीं, झगड़ा हुआ ही नहीं, सरपंच से पूछो, सरपंच ने मैं कल बुलाया जी बावल, सरपंच मना कर गया। मैं बोला जी झगड़ा हुआ ही नहीं, इस लेडीज के साथ ही झूठ बोल रही है। फिर भी इसने जबरदस्ती 2 दिन हो गए जी मेरे को परेशान कर रहा था। बताया कि मेरी चाची ने
मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त दे रखी है झगड़े की, तो उसमें अशोक कुमार एसआई कह रहा है कि भाई 5,000 रुपये दोगे तो तुम्हारा फैसला कर दूंगा, अगर नहीं दोगे तो 354 और लगा दूंगा तेरे ऊपर। सिरसा गांव के मौजदीन निवासी विक्रांत का कहना है कि उसकी पत्नी की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी सिमरन गर्भवती थी, जिसका इलाज डबवाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं इस मामले में डॉक्टर खुराना का कहना है कि यहां पर महिला की तबीयत नहीं बिगड़ी थी और अस्पताल की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी प्रीतपाल सिंह का कहना है कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस मामले में अगर डॉक्टर दोषी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सुनीता खुराना ने ये कहा, उसके बाद शाम को जैसे ही मतलब मैडम एकदम कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, दिक्कत हो जाएगी, आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो हम भी डर गए, हमने मैडम के कहने पे ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन के बाद जैसे 7:30 बजे के लगभग 3 नवंबर को बेबी हुआ, बेटा पैदा हुआ, वो भी स्वस्थ था, सिमरन उसकी माँ वो भी स्वस्थ लग रही थी, लेकिन 4 तारीख को वैसी स्थिति रही है। उसके बाद 5 तारीख को रविवार था, 11 बजे के लगभग दिक्कत स्टार्ट हुई है, उल्टी आने लगी, पेट दर्द होने लगा बहुत तेज़। हमने स्टाफ को कहा कि मैडम को बुला दो, क्या रविवार है आज का दिन तो मैडम आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्या हमारी फ़ोन पे बात हो रही है मैडम से, वही ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन लगाए पेट दर्द के, उल्टी के, नहीं ठीक हुआ, लास्ट में ले जाकर नशे का इंजेक्शन लगा दिया, वो जैसे ही थोड़ी देर सोई है उसमें इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ा है। फिर शाम को रात को फिर जोर देकर कहा कि मैडम को आप बुला दीजिए, भी एक बार मरीज की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो आगे से स्टाफ का ये जवाब था कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैडम हॉस्पिटल नहीं आते। अगले दिन 6 तारीख को 12 बजे के लगभग मैडम आए हैं, 24 घंटे बीत गए थे इस चक्कर में, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, आते ही उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई है, और रिपोर्ट्स आने के बाद भी उन्होंने डिले किया है, 12 बजे के लगभग रिपोर्ट्स करवाई है, 4 बजे के लगभग हमें जीवन ज्योति हॉस्पिटल भेजा है चेकअप कराने के लिए, एक बार आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे हमें बीपी नॉर्मल बता रहे थे पेशेंट का, लापरवाही मैडम, बिल्कुल लापरवाही है जी, नॉर्मल बीपी बता रहे थे, वहाँ जाते डॉक्टर ने कहा एक अपर लेवल का जो बीपी है 60 है, इनकी तो हालत अत्यंत सीरियस है, कार्रवाई यही चाहते हैं कि मैडम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर सुनीता खुराना के पूरी लापरवाही बरती। विक्रांत हमारे यहाँ 3 तारीख को सुबह 12:30 बजे भर्ती होने आई थी दर्दों की वजह से, उनके परिवार वाले चाहते थे कि उन्हें भर्ती कर दिया जाए और दर्द बढ़वा के उनकी डिलीवरी करवा दी जाए, हालांकि पेशेंट दर्द नहीं लेना चाहती थी सुबह से ही, पर उनके रिश्तेदार चाहते थे कि उनको एक बार दर्द देके ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी किया जाए। शाम सुबह 12:30 बजे से शाम के 6 बजे तक उसकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी और दर्द लेने के बावजूद भी बच्चेदानी का मुंह एक उंगल से ज़्यादा खुल नहीं रहा था, तो उनके रिश्तेदार चाहते थे कि अब नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर की वजह से, और वो लोग भी चाहते थे कि भाई इसे जेरेन कर दिया जाए, तो उसी टाइम शाम को 7:30 बजे के आसपास 7:23 का बेबी आउट था, उस टाइम डिलीवरी पेशेंट की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। सिजेरियन डिलीवरी के टाइम आराम से ऑपरेशन हो गया, कोई मरीज को अत्यधिक ब्लीडिंग नहीं हुई, सारे के सारे प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ्स पूरे कम्प्लीटली रिमूव हो गए थे और किसी भी प्रकार की मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, यहाँ हालत नहीं बिगड़ी थी, उसको हल्का फुल्का पेट दर्द हुआ 5 तारीख को रात को और 6 तारीख को सुबह, तो 5 तारीख को जब उसको रात को बिगड़ी तो उस टाइम अटेंड किया गया, हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने उसको अटेंड किया, हम छुट्टी पे थे ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई छुट्टी पे था, और जब उसकी रिपोर्ट्स कराई तो TLC नॉर्मल थी, लापरवाही तो किसी प्रकार की थी ही नहीं। जब अगले दिन उनको 6 तारीख सुबह हल्का पेट दर्द हुआ तो उसको उसी टाइम तुरंत स्टेबल होने की वजह से अल्ट्रासाउंड और फिजिशियन ओपिनियन के लिए भेजा गया। ये मौजदीन गाँव के व्यक्ति हैं और उन्होंने उनकी पुत्र वधु की डिलीवरी होनी थी, खुराना हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवाया था, उसके बाद वहाँ पर उनको रिलीफ नहीं मिला प्रॉपर, तो उनको बठिंडा और उसके बाद फोर्टिस मोहाली के अंदर भी ले गए थे, लास्ट में उनकी डेथ हो गई पुत्र वधु की, बच्चा सुरक्षित है। इनका ये मानना है कि खुराना हॉस्पिटल में जब इनको एडमिट करवाया था तो जो हॉस्पिटल के स्टाफ था और जो डॉक्टर थे उन्होंने इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं की, जिसके कारण इनको इन्फेक्शन हो गया और उसी इन्फेक्शन के कारण पुत्र वधु की इनकी डेथ हो गई है। तो ये इसमें जांच चाहते हैं, पूरी इंक्वायरी चाहते हैं, और यदि उसमें जांच में दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा स्थित आश्रम में विवादित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ पुलिस को सूचना मिली थी कि आश्रम में नाबालिग लड़कियों को उनकी मर्जी के बगैर बंधक बनाकर रखा गया है। इसी आधार पर पुलिस ने भारी पुलिस बल को लेकर छापेमारी की। इस दौरान वहां करीब 9 सेविकाओं से पूछताछ कर सभी से जानकारी जुटाई गई।
वहीं पुलिस ने बताया कि मामला गंभीर है, इसलिए एफआईआर दर्ज कर बाबा के कनेक्शन की जांच की जा रही है। रेगुलर कितने लोग हैं? रेगुलर 7-8 लोग हैं। अभी आपने 20-25 बताया था। मैं 20-25 सबको मिला के हुआ है ना, मतलब जैसे आते हैं 6-7 लोग। कितने मतलब सब कौन? सबका मतलब जैसे अभी ये पूरा मोहल्ला ये नहीं मोहल्ले में कई लोग आते हैं। नहीं रेगुलर की बात कर रहा हूं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? रेगुलर रहते नहीं 5-6 लोग हैं, मतलब हमें जैसे रेगुलर क्लास में ये सर्वोदय नगर पड़ता है कोतवाली नगर बांदा में। सूचना सुबह आई थी कि एक संस्था यहाँ पे चलती है जहाँ पे कुछ नाबालिग बच्चियाँ भी रखी जाती हैं और उनकी सहमति नहीं है उसमें। गंभीर किस्म का मामला था, तत्काल महिला पुलिस के साथ यहाँ पे छापा मारा गया है। अभी तक की जांच से ऐसा प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन आगे भी जांच अभी इसकी जारी रहेगी और जो सूचना आई है उस पर FIR पंजीकृत करके उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी की श्रावस्ती में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मामला गिलोरा थाना क्षेत्र के गाँव का है। नाबालिग बच्ची ने बताया कि वो सुबह गांव के पास खेत में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठा युवक किशोरी का मुंह बंदकर खेत में घसीटने लगा। किशोरी ने चीखना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को आता देख आरोपी किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मुसाद लिए थे तो वो घिरा के चले गए थे झाले में, तो वो कैसे गए तो भाग गए। क्या नाम है लड़के का? वो लड़के का हाँ। नहीं जानते। उसको उसको जो है दुष्कर्म की नियत से या छेड़खानी की नियत से उसको पकड़ लिया। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पे कुछ लोग आ गए और तत्काल पुलिस भी पहुंच गई। अभियुक्त को जो है पकड़ करके पुलिस थाने गिलौला ले आई। पीड़िता के पिता की तहरीर पे उस अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त राजेश के खिलाफ 354 IPC। मथुरा के महोली गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है। पुलिस अभी भी मामले की जाँच में जुटी है। भाभी की हत्या है। कैसे पता चला आपको? बाकी दोनों बच्चा, लड़की और लड़का दोनों ने जाके मेरे गेट खटखटाया और बहुत जोर से रोए आए देख के। जब मैंने देखी चाचा वो क्या कहते हैं मम्मी जग रही ना है, बम पड़ी है, जीना ही नहीं चाहिए। मैंने आके देखो तो उसकी जीव निकल रही। आज ही रात में सूचना मिली 3 बजे करीब 100 नंबर पे कि ग्राम महोली में एक महिला की हत्या हो गई, जिस पर पुलिस से मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। सारी छानबीन की जा रही है। गाँव के गाँव के लोगों ने फोन किया कि मैं चेकिंग में था, लोगों ने बताया कि हत्या हो गई है। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नगेलन पूर्वक गाँव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के परिजनों ने बताया कि युवती गोमती के ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसकी हत्या की गई है और वे दहेज हत्या की शिकायत कोतवाली में दर्ज कर ससुराल वालों को इसके लिए सजा दिलाएंगे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। इसका मॉडल हुआ कैसे हुआ? अब ये तो वही बता सकते हैं। क्यों मारा, क्यों परेशान करते थे? लड़की के लिए मारा। कब से परेशान कर रहे थे? जब से शादी हुई इसके बाद तुरंत। तो क्या करता है इसका आदमी? दारू पी के मारता था। वो मारता था? कहीं इस चीज की FIR नहीं कराई आपने? नहीं, कभी नहीं की। तो क्या घटना हुई लड़की के साथ? अब उसको मार डाला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें मुस्लिम महिला तैबुन निशा ने बताया कि 3 साल पहले उसके पति ने उसे विदेश से फोन पर ही 3 तलाक कहकर तलाक देकर छोड़ दिया। उसके बाद से महिला अपने 3 बच्चों के साथ थाने से लेकर दर दर भटक रही है। महिला का कहना है कि थाने पर सिपाही और दरोगा उससे अभद्र बर्ताव कर उसे भगा देते हैं।
सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रिपल तलाक का मामला थमा नहीं है। हाँ, फोन करके कह रहे हैं कि हम तलाक दे रहे हैं, एक फर्जी कागज बनवा लिए हैं। आने के बाद यहाँ थाने पर जब मैं गई तो स्टाम्प पेपर लाए हैं और उस पर लिख ली। एक बार नहीं, कई बार वो बोले, कई बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुझे मानना, मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं सऊदी में रहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, न रहोगी न तुम उससे लड़ने के लिए तैयार रहोगे। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र के थाना अहमदगढ़ में बदमाशों ने बीएसएफ जवान के घर पर डकैती की। हथियारों से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने जवान के पिता और पत्नी को बंधक बनाया और घर से 50 लाख रुपए, 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के साथ बीएसएफ जवान की लाइसेंसी पिस्टल, कारतूसों समेत लूट कर ले गए। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस की टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में जांच अभियान शुरू किया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मेरे घर चोर आए, जबरदस्ती दरवाजा खुलवा के पहले ससुर को उधर बाहर किया कब्जे में, फिर दरवाजा खुलवाया जी। और दरवाजा खोलते चोट मारी मेरे को। तो आपके चोट कहाँ लगी है? यहाँ सर में लगी है मेरी चोट। तो क्या कितनी चोट आई आपको? इतनी चोट आई कि एक बार की चोट तो सर में लगी, दूसरी की ऐसे इस पे आई, हाथ पे। क्या वो बदमाशों ने डाटा मार रखा था, नकाब पोस्ती या पहचान? मैं वो ऊंचा था, मैं उसका बस चेस्ट दिखाई दिया मेरे को, मतलब रेड कलर की टी शर्ट सी थी, बाकी मुझे कुछ नहीं, ना चेहरा दिखा, ना सर दिखा, ना कुछ ना पता मुझे। तो आपके घर से कितना सामान ले गए चोर? सामान ले गए, मेरा सारा जेवर ले गए। बताया जा रहा है कि एक हथियार भी था, पिस्टल थी जी, हथियार भी था, पिस्टल थी जी, नगद भी ले गए 5 लाख के करीब। शादी आ रही है मेरे घर, जेवर भी बहुत था, 20 तोले करीब सोना था, 1 किलो करीब चांदी भी थी। बदमाश 8-10 तो मेरे पे और पास थे जी, 2-4 बाहर हुए, अब ये अनगिनती है कितने स्वर है, कितने बाहर बात तो मैं देख नहीं पाया जी, 6-7 करते बढ़ते मैंने देखे। एक मेरे गारंटुआ पर हर वक्त गला दबाया, शुरू में बांधे जब निरे, कोई टांग पे, कोई बाएं पे, कोई छाती पे। हथियार के साथ थे? हथियार साथ थे उन पे, राइफल हो, बंदूक हो, है उन पे हथियार। क्या बोले? हथियार के नाम क्या बोले? ये बोले बोलते जब वो बांध लिया, कंट्रोल कर लिया तो वो बाबा वो कैश बताओ, कैश कितना है? भैया कैश कहाँ, कैश तो पीछे बोले कहा, वो बंदूक कहाँ, पिस्तल कहाँ तुम्हारी? पिस्तल तो छोरा के संग हो गई, तो भाई साहब कहाँ रहते? ऐसे कहिए भाई साहब कहाँ रहते हैं? भाई साहब तो मैं ड्यूटी कर रहे हैं। कच्चा बंद पिस्टल नहीं है यहाँ, मैं मुआ के संग ही हो गई। ठीक बात इतनी कह के फिर बोला था, अच्छा वो बुढ़े बताओ कैश कहाँ है? मैंने कहा मैंने कैश तो खैलिया लग को, जमीन ली है ना अभी, मेरे कैश तो खैलिया लग को, कैश कहाँ से आयो? 5 छोरी हैं मेरे पे, 5 लड़के भात भर रहा हूँ, आप कहाँ है, बालक पढ़ रहे हैं, कैश कहाँ है? वो कल रात सुबह पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन अहमदगढ़ में सूचना मिली है 3 बजे के आसपास, कुछ एक घर पे कुछ बदमाश ने घर पे घुस के, वहाँ पे केवल घर पे 2 ही लोग था, और ससुर और उनका बहू था, वो गांव से कुछ दूर अकेला था घर है, वहाँ पे कुछ बदमाश अंदर करके घुस के वो महिला के साथ मारपीट किया, और उसके पास उनके बुजुर्ग आदमी का भी गला दबाकर उनके बैठाया था, और उसके बाद उन्होंने घर के अंदर जो भी सामान है, ज्वेल्स है, पैसा है, और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उन लोगों ने लूट करके भागा है, और पुलिस ने उसका तुरंत मौके पर जाके जांच कराया और महिला का मेडिकल कराया, और महिला का कोई दिक्कत नहीं और किसी चोट उनके सिर पर, और बाकी पुलिस टीम गठित कर दिया मैंने, क्राइम ब्रांच हमारा एसओ और सीओ सभी लोग मिलकर उसका वर्कआउट कर रहा है, कुछ बावरिया ट्रैप गैंग की तरफ उसका घटना का दिखाई पड़ रहा है, और हम जनपद में अभी चेकिंग शुरू कर दिया, जनपद में जो भी संदिग्ध व्यक्ति और जो भी संदिग्ध डेरा है, ये बावरिया का डेरा है और पुराना अपराधी, उसका सबको तलाशी करने के लिए टीम चल गया, अभी चेकिंग हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।